नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक वैसे 80-90 वीडियो मैं बना चुका हूं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आप वह वीडियो देख कर इस वीडियो पर आते हैं तो आपको मेरी हर बात समझ में आएगी। लेकिन इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ कि ये वीडियो किस लेवल की है, तो जो 80-90 वीडियो में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का आप सिलेक्शन करेंगे तो वह वीडियो यह है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है, ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिक टॉपिक पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो थोड़ी डिटेल, थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके बहुत से कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी में क्लियर होंगे। क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि इस घर का मालिक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, फिर भी सामने वाले को उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यानी उसके जीवन में उस घर से रिलेटेड समस्या चल रही है। तो यहां पर यह है जो कारक शब्द है, कारक ग्रह है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो मैं आपको क्लियर करता हूं कुंडली के माध्यम से। देखिए यहां पर लग्न कुंडली से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी एक लग्न कुंडली होगी, उसके फर्स्ट हाउस में इस तरह से लिखा होगा लय यानी लग्न, और यह जो घर है यह है पहला घर, फर्स्ट हाउस। यह है कुंडली के अंदर सेकेंड घर, ये तीसरा घर, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये टेंथ हाउस, ये इलेवेंथ, और ये कुंडली का बारहवां घर। देखिए ये जो हाउसेस हैं इसे भाव भी कहा जाता है, भाव के नाम से भी जानते हैं, भाव भावेश इस तरह से हम बात करते हैं कुंडली के अंदर। और हाउस जानते हैं, घर जानते हैं, इस नाम से हम फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस इस नाम से हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो देखिए फर्स्ट हाउस जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि लगन है कुंडली का, लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम, सामने वाले का चरित्र, उसका आत्मबल, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ जो इस फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड को जो जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आप मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा मेष लगन की कुंडली है, तो आप मंगल देव को देखेंगे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन साथ में आपको इस घर के फिक्स कारक को भी देखना है जो है कुंडली के अंदर सूर्यदेव। तो आपको सूर्यदेव को भी देखना है क्योंकि इस फर्स्ट हाउस के वो फिक्स कारक है। तो यहां पर कारक ग्रह की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, कारक ग्रह का भी बहुत बड़ा महत्व है। कारक ग्रह को भी आपको साथ साथ में कुंडली में हाउस लॉर्ड के साथ साथ में देखना है, तब आप जाकर सटीक निर्णय ले पाएंगे कि इस हाउस से रिलेटेड सामने वाले को कोई समस्या होगी या नहीं होगी, या फिर उस हाउस से रिलेटेड हम सॉल्यूशन सामने वाले को क्या बताएं। तो यहां पर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है मंगलदेव, लेकिन कारक है सूर्यदेव, तो आपको मंगलदेव के साथ सूर्यदेव को भी देखना है। सूर्यदेव को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे आत्मबल के कारक है, आत्मा के कारक है। आत्मबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले के अंदर अगर आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो वो बहुत कुछ जीवन में कर सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए, आत्मबल के लिए आप यहां पर साथ साथ में मंगलदेव के साथ साथ में सूर्यदेव को देखें, वो फिक्स कारक है फर्स्ट हाउस के। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस के फिक्स कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव। अब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी ग्रह हो सकता है कुंडली में, क्योंकि लगन कुंडली सबकी अलग अलग नंबर से शुरू होती है। किसी के तीन नंबर हो सकता है सेकंड हाउस में लिखा हो, किसी के चार नंबर, किसी के पांच नंबर, तो उस हाउस का लॉर्ड अलग होगा, उसके अनुसार हम उसकी वाणी को देखेंगे, उसके धन की पोजिशन को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में आपको बृहस्पति देव को भी देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार यह कहता हूं कि बृहस्पति देव का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक बृहस्पति देवी अगर कुंडली में पीड़ित हो गए तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। और अकेले बृहस्पति देवी कुंडली में अगर स्ट्रांग पोजिशन में, अच्छी पोजिशन में, और भले ही दूसरे ग्रह कुंडली के अंदर अच्छी पोजिशन में ना हो, तो एक बृहस्पति देव ही पूरी कुंडली को संभालने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव पांच घर है जिसके फिक्स कारक है, और पांचों घर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के। तो यहां पर बृहस्पति देव को भी आपको देखना है। जब भी आप सेकंड हाउस को देख रहे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देख रहे हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति को देख रहे हैं, उसके साथ में आप यहां के कारक को भी देख रहे हैं, क्योंकि धन की जब भी चर्चा होगी, परिवार की जब भी चर्चा होगी, तो उस हाउस के लॉर्ड के साथ साथ में आपको बृहस्पति देव को भी देखना है, उनकी पोजिशन देखनी है। देखने का मतलब क्या है, क्या वो नीच स्थिति में है, क्या उच्च स्थिति में है, क्या बृहस्पति देव कुंडली में अस्त है, या बृहस्पति देव त्रिक भाव में, या बृहस्पति देव कुंडली के अंदर जीरो डिग्री है, कम पावर के, षटबल में कमजोर है। तो ये सारी चीजें देखकर आप आकलन लगा सकते हैं कि ये सेकंड हाउस कैसे रिजल्ट देगा। देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हो गई यहां पर, कि देखिए सेकंड हाउस जो है उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव है, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ के कारक हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा कि इस हाउस के अंदर बृहस्पति देव की ही राशि होगी, जैसे मान लीजिए कुंभ
लगन की अगर कुंडली है तो 12 नंबर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में ही अगर बृहस्पति देव बैठ गए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि उस घर के कारक भी अब बृहस्पति देव हो गए और उस घर के लॉर्ड भी हो गए। अब अगर बृहस्पति देव कुंडली में डैमेज हो गए तो समझ लीजिए कि सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस घर के मालिक भी पीड़ित, उस घर के कारक भी पीड़ित, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी अच्छी पोजिशन में होता है तो उस घर की स्थिति को हम सोच सकते हैं कि भाई ये ग्रह संभाल लेगा। तो यहाँ पर हमको इस तरह से भी देखना है, तभी हम कुंडली के अंदर राइट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर थर्ड हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि पराक्रम का घर है। वैसे थर्ड हाउस को हम लोग ये भी मान लेते हैं कि भाई ये नेगेटिव घर है, संघर्ष बढ़ाएगा, प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन भाग्य जो है हमारा उसके सामने वाला घर है। इसका मतलब है कि हमारी मेहनत के द्वारा जो चीज हम प्राप्त करेंगे वो थर्ड हाउस है। ये हमारे पराक्रम का घर है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको दिखाता है, किसी भी काम के लिए हम कितने डेडिकेटेड हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो थर्ड हाउस है। तो इसके कारक हैं मंगल देव। तो जब भी आप थर्ड हाउस को देख रहे हैं, उसकी स्थिति को देख रहे हैं, सामने वाले के अंदर थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ में मंगल देव को भी देखना है। और राहु देव इस घर में कंफर्ट होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अगर वो नीच के ना हो तो, क्योंकि राहु देव खुद ही पराक्रमी ग्रह हैं, जुनून वाले ग्रह हैं। जितने भी बड़े काम, मतलब मान लीजिए ऐसे काम जो इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हैं, भले वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों में ही राहु देव की भूमिका रहती है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, इनके पास सर तो है धड़ नहीं है, सोच इनकी बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड है, कुछ भी सोच सकते हैं, कितने भी बड़े लेवल का। और अगर इनको सही घर मिल गया, उससे रिलेटेड ऊर्जा इनको मिल गई, मेहनत वाली ऊर्जा इनको मिल गई, तो ये यहां पर बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है कुंडली के अंदर वाहन का है, फोर्थ हाउस सुख का है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, मकान का है, फोर्थ हाउस से माता को भी देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इस हाउस के लॉर्ड को जब भी आप देख रहे हैं तो इसके कारक ग्रहों को भी देखें। दो कारक ग्रह यहां पर है, एक है शुक्रदेव, एक है चंद्रदेव। तो जब भी आप माताजी की स्थिति देख रहे हैं, माताजी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ भी देखना चाहते हैं, तो इस हाउस के लॉर्ड के साथ में चंद्रमा को देखिए। और जब भी आप वाहन की बात कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लग्जरीज की बात कर रहे हैं, शुक्रदेव से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में आपको शुक्रदेव को भी देखना है। तो इस तरह से आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले पाएंगे और सामने वाले को बिल्कुल सही परामर्श दे पाएंगे, सामने वाले को आप बिल्कुल ऐसी चीज बताएंगे जिसका सॉल्यूशन करते ही उसकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस कुंडली का। ये जो हाउस है वो है कुछ भी न्यू प्रोडक्शन, कोई भी अगर नया हमने कुछ ऐसा बना दिया जो पहले नहीं था, या कुछ भी ऐसा जो न्यू प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का घर है, फिफ्थ हाउस संतान का घर है। संतान भी हम जानते हैं भाई क्रिएशन है, कुछ नया क्रिएट किया है आपने इस दुनिया के लिए। तो फिफ्थ हाउस के कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव। तो जब भी आप फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों का प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को जब भी आप देखेंगे उनकी स्थिति आपको बहुत अच्छी नजर आएगी, लेकिन बृहस्पति देव की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो समस्या हो सकती है। तो यहां पर आपको बृहस्पति देव की स्थिति भी देखनी है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो कारक को भी देखना है, उस घर के मालिक को भी देखना है। उस घर का मालिक कोई भी हो सकता है, लेकिन फिक्स कारक बृहस्पति देव ही रहेंगे। तो संतान के लिए बृहस्पति देव की बहुत बड़ी भूमिका हो गई यहां पर, कि भाई संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति देव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव में आता है, इसे वैसे हम अच्छा घर नहीं मानते हैं, लेकिन सिक्स्थ हाउस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि जॉब का घर है, क्योंकि नौकरी का घर है, सेवाओं का घर है। तो नेगेटिव चीज चलिए इसमें है, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी हैं। नौकरी आपको सिक्स्थ हाउस ही देने वाला है। इस घर के कारक ग्रह हैं शनिदेव और मंगलदेव सिक्स्थ हाउस के, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपको विजयी कराएंगे मंगलदेव और नौकरी आपको देंगे शनिदेव। तो जब भी आप कुंडली में नौकरी की स्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति की स्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी कब लगेगी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिक्स हाउस को तो देखना ही है, सिक्स हाउस की दशाओं को देखना है, सिक्स हाउस के लॉर्ड की स्थिति को देखना है, लेकिन साथ में शनिदेव को देखना है, क्योंकि वो कारक है फिक्स। और आपको साथ साथ में मंगलदेव को देखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में विजयी आपको कौन कराएगा? मंगलदेव। तो कॉम्पिटिशन की जब भी आप चीज देखेंगे सिक्स हाउस को देखेंगे, लेकिन मंगलदेव को भी देखेंगे, क्योंकि फिक्स कारक है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, लाइफ पार्टनर का घर है, जीवन साथी का घर है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। तो यहाँ के फिक्स कारक हैं शुक्रदेव,
तो जब भी आप सेवंथ हाउस को देखेंगे तो साथ में शुक्रदेव को भी देखेंगे, मैरिज लाइफ बहुत से लोगों की डैमेज नजर आती है, प्रॉब्लम्स नजर आती है, परेशानियां नजर आती है, क्योंकि सेवंथ हाउस भले ही कुंडली में अच्छा हो लेकिन शुक्रदेव पीड़ित हो गए तो वो उसको संभालने का काम करते हैं, मैरिज को संभालने की काम की जिम्मेदारी शुक्रदेव के हाथ में, साथ में के कारक है, सेवंथ हाउस के कारक है, ठीक है। मैरिज कराने का काम शुक्रदेव का भी है, बृहस्पति देव का भी है, लेकिन मैरिज को संभालने का जो काम है, आगे मेंटेन करने का काम है, वो शुक्रदेव का। तो शुक्रदेव को सातवें घर के लॉर्ड के साथ में आप जरूर देखिए, जब भी आप सातवें घर की स्थिति को देख रहे हैं, मैरिज की स्थिति को देख रहे हैं, पार्टनरशिप की स्थिति को देख रहे हैं, शुक्रदेव को देखना आपको बहुत जरूरी है। अब आते हैं कुंडली के अंदर हम एट्थ हाउस, जो कुंडली का हम अच्छा घर नहीं मानते हैं, त्रिक भाव कहलाता है, मृत्यु स्थान कहलाता है, और बड़ी जीवन में प्रॉब्लम्स का घर यह है, हर काम में रुकावटों का घर ही है। तो इसके फिक्स कारक हैं शनिदेव, आयु भी इसी घर से देखी जाती है, तो आयु के लिए भी हम शनिदेव को देखते हैं, शनिदेव की दृष्टि अष्टम पे पड़ जाए तो आयु अच्छी हो जाती है, और भी चीजें देखी जाती है, अष्टम की स्थिति भी देखी जाती है, तो अष्टमेश के साथ में आपको शनिदेव को भी देखना है, क्योंकि शनिदेव आठवें घर के फिक्स कारक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर हम भाग्य स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट घर, क्योंकि ये आपके पुण्य कर्मों को दिखाने वाला है पिछले जन्म के, लेकिन पुण्य कर्मों से इस जन्म में आप क्या लेकर आए हो, क्या वो पुण्य कर्म जो आप वहां से इकट्ठा करके लाए हो पिछले जन्म से, वो इस जन्म में आपके काम भी आने वाले हैं या नहीं आने वाले, या फिर आप इस जन्म में बहुत भागदौड़ करने वाले हो, यानी भाग्य लक, आप थोड़ा सा काम करेंगे, किस्मत आपका साथ देगी, फटाफट आपका काम हो जाएगा। ये नाइन्थ हाउस है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट घर हो गया नाइन्थ हाउस, इसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव। अब वही बात यहां पर आ गई कि नाइन्थ हाउस की लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, लेकिन बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये भाग्य स्थान जो आप सोच रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है, मैं जिस काम में हाथ डालूंगा मुझे सफलता मिलेगी, तो हो सकता है वह परेशानी हो, क्योंकि कारक ग्रह बृहस्पति देव का आपको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। साथ में इस घर के कारक एक और है सूर्यदेव, क्योंकि ये पिता का घर भी कहलाता है, और साथ साथ के अंदर सूर्यदेव की स्थिति को भी आपको देखना होता है पिता की स्थिति को देखने के लिए। जैसे हमने यहां पर देखा चंद्रमा को फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ साथ में, तो यहां पर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में आपको देखना है सूर्यदेव को भी, क्योंकि वो पिता के कारक है, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर इंपॉर्टेंट घर है दसवां घर, क्योंकि हमारे प्रोफेशन का है, और प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हम देखते हैं वो टेंथ हाउस से देखते हैं, तो टेंथ हाउस के कारक ग्रह बहुत सारे हैं शनिदेव, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो इस घर के मालिक होते ही हैं, क्योंकि हम प्रोफेशन में नौकरी को भी लेते हैं, बिजनेस को भी लेते हैं। साथ में बृहस्पति देव भी इस घर के कारक हो गए, साथ में बुध देव इस घर के कारक हो, क्योंकि वाणिज्य यानी कि व्यापार के मेन कारक बुध देव है, तो ये तीन ग्रह जो है यहाँ इस घर के कारक हैं, तो बुध देव को भी आपको देखना है जब भी आप प्रोफेशन को देख रहे हैं, क्योंकि वाणी जो है हमारी बोलने की जो कला है, इंटेलिजेंसी जो है, बुद्धि है, वो सारी चीजें व्यापार में काम आती है। शनिदेव को देखना है नौकरी की स्थिति के लिए, बृहस्पति देव को देखना है क्योंकि नौकरी जॉब बिजनेस व्यापार के लिए बृहस्पति देव आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, कारक हैं इस घर के कुंडली के अंदर, तो आपको इन प्लैनेट्स को भी टेंथ हाउस में देखना है जब भी आप बात कर रहे हैं कुंडली के अंदर प्रोफेशन की, तो दसवें घर के लॉर्ड के साथ में। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर इलेवंथ हाउस जो लाभ का घर है, हर तरह के लाभ को हम कुंडली के अंदर ग्यारहवें घर से देखेंगे, धन ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपके आपको मिली है, आपको प्राप्त हुई है लाभ के रूप में, जैसे संतान की प्राप्ति, कोई भी चीज प्राप्त होना, विवाह यानी कि लाइफ पार्टनर आपको मिला है, धन आपको मिला है, व्हीकल आपको मिला है, मकान आपको मिला है, प्राप्ति किसी भी तरह की प्राप्ति, किसी भी तरह का लाभ ग्यारहवें घर से देखा जाता है। ग्यारहवें घर के भी कारक हैं बृहस्पति देव, तो कुछ भी चीज आपको मिलने में परेशानी हो रही हो, देरी हो रही है, तो बृहस्पति देव को जरूर देखिए ग्यारहवें घर के लॉर्ड के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये बात हो गई। क्योंकि अब देखिए बृहस्पति देव कौन कौन से घर के कारक हो गए यहां पर, ये देखिए आप ग्यारहवें घर के हो गए, नाइन्थ हाउस जो आपका भाग्य का है, पांचवा जो बुद्धि का है, साथ साथ में संतान का है, धन स्थान के यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए बृहस्पति देव के हाथ में पांच कारक ग्रह हैं, आपके प्रोफेशन का घर भी इनके हाथ में, तो पांच घरों के कारक, इसलिए बृहस्पति देव का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रांग है तो पूरी कुंडली को मैनेज कर लेंगे, और वो ही अगर पीड़ित हो गए और दूसरे ग्रह भी अगर पीड़ित हो गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत और समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पर बृहस्पति देव की स्थिति कुंडली में अच्छी होना बहुत जरूरी है, बृहस्पति देव को सबसे पहले आप सही कीजिए, अगर वो पीड़ित है कुंडली में तो उनकी हेल्प से बहुत से काम आपके बन जाएंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली बहुत से अच्छे और स्ट्रांग जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज है उनके कारक है। अब बात करते हैं कुंडली का बारहवां घर, बारहवें घर के अगर हम कारक की बात करें कि भाई बारहवें घर के कारक कौन है, तो शनिदेव है, शनिदेव क्योंकि वै के कारक है,
खर्चा जो होगा, खर्चा होगा तो मान लीजिए कि भाई हमारे पास से धन जा रहा है, तो शनिदेव 12वें घर के कारक है और केतु देव भी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि वो मोक्ष के कारक है। मोक्ष की ओर अगर आपको कोई ग्रह ले जाता है तो वो है केतु देव। 12वें घर में अगर केतु देव है तो मोक्ष की ओर सामने वाले व्यक्ति को ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बहुत से ग्रहों के बारे में बताया और हाउसेस के बारे में बताया, उनके कारक, उस हाउस से रिलेटेड कौन सा ग्रह उस घर का कारक है उसके बारे में बताया। तो इस तरह से आपको उस हाउस के अंदर बैठे हुए ग्रहों को तो देखना ही है, उस हाउस पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि को देखना है, उस हाउस के लॉर्ड को देखना है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ बैठा है, क्या स्थिति है, और उस घर के कारक को भी देखना है। अगर ये सारी चीजें आप देखेंगे, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इस हाउस से रिलेटेड चीजों से प्रसन्न है, खुश है, इसको कोई समस्या नहीं है, या फिर इस हाउस से ये रिलेटेड चीजों से पीड़ित है और इसको समस्या आ रही है। तो जब आप ये चीज पता कर पाएंगे, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये पीड़ित है और किससे पीड़ित है, कारक से, हाउस लॉर्ड से, या उस घर में बैठे हुए ग्रह से, या उस घर को देखने वाले ग्रह से, तो आप उसका जब सॉल्यूशन सामने वाले को देंगे, कुल मिलाकर वो आप जो दवाई उसको देंगे वो उसके काम आ जाएगी, उसके लग जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल जड़ में जाकर उस समस्या को क्रिएट करने वाले ग्रह को पकड़ लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो पूरी, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए कि भाई इसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो आप बनाइए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो बहुत लंबी बनेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो होगी आपके लिए। हर प्रश्न का आंसर आपको सटीक पता चलने लग जाएगा और सेकंड्स में पता चलने लग जाएगा। उदाहरण के लिए अभी तक तो हमने हाउस और उसके कारक की बात करी है, लेकिन ग्रहों के कुछ फिक्स कारक भी होते हैं। जैसे हम दुर्घटना की बात करें तो राहुदेव मंगलदेव उनके कारक हो गए। ऐसे ही हम बहुत से अगर टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे मन की बात करें तो चंद्रमा उसके कारक हो गए, आत्मबल की बात करें तो सूर्यदेव कारक हो, तो ग्रहों के अंदर कुछ फिक्स उनके खुद के कारक भी हैं। उनको भी अगर आप समझ लेंगे हाउस के कारक के साथ साथ में, तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आने लग जाएगी और आप कुंडली देखते ही सामने वाले को बता देंगे कि भाई ये समस्या आपको क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।